हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर टू लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, चैप्टर वन तो हमारा हो गया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करवा दिया और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया। आई होप आपने चैप्टर वन देख लिया है वीडियो और आपको समझ में भी आ गया है, और उसका जो वर्कबुक का जो काम दिया था वो भी हो गया, और टेक्स्ट बुक का जो काम था वो भी आपको हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर टू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक तो क्या है, लॉन्ग मतलब लंबा एंड शॉर्ट यानी छोटा। ठीक है, चलो देखते हैं हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। तो देखो यहाँ पे डॉट दे दिया है और कैपिटल लेटर्स दे दिया है। ठीक है, अल्फाबेट लेटर कैपिटल से, तो ए बी सी डी ऐसे दे दिया है। तो इसमें यहाँ पे कहा है कि इसमें से कौन सा डॉट जो है सबसे दूर है, फार है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा फार है? तो देखो यहाँ पे आई थिंक के से जी तक का जो लाइन है वो सबसे दूर होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट। Is it? Now measure it with the help of a scale. Did you guess right? तो यहाँ पे कहा है कि इसमें सबसे टू डॉट्स जो है वो क्या डिस्टेंस है, टू डॉट्स आपको गेस करना है, टू डॉट्स में कितना मतलब डिस्टेंस है, बीच में दोनों डॉट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और कितना सेंटीमीटर्स है। ठीक है, और आपको ये मेजर करना है स्केल लेके। ठीक है, स्केल से आपको हेल्प लेना है, मेजर करना है। और डिड यू गेस राइट, क्या आपने राइट गेस किया? तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में उसका आंसर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करवाती हूँ। ठीक है, आपको आंसर मैं दे दूँगी, आपको देख के सिर्फ लिखना होगा। पहले तो वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, अच्छे से समझना है और केयरफुली सुनना भी है, और फिर जो भी आंसर मैं आपको दूंगी वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो स्पेस कम है, इसीलिए आपको नोट में लिखना है। तो आई होप आपने मैथ्स के नोटबुक बना लिए होंगे। ठीक है, जिनका भी अभी तक बाकी है मैथ्स का नोट बनाना, वो फटाफट जल्दी मैथ्स का नोट बना ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर। आप मतलब इसमें दो डॉट्स में आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा डॉट जो है वो सबसे दूर है, चेक योर आंसर, आंसर चेक करो। नेक्स्ट है विच डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, और कौन सा डॉट्स, दो डॉट्स जो है, टू डॉट्स सबसे पास में है। तो यहाँ पे देखो सबसे पास में डी और ओ है ना, और सबसे दूर जो है के से लेके जी सबसे दूर है। आगे देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। ठीक है, हमारा आंसर सही है कि नहीं, चलो नेक्स्ट क्या है, द शॉर्टर लाइन, शॉर्टर लाइन दे दिया है, शॉर्ट लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल बीरबल, वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। तो अकबर जो है एक राजा है, किंग है, फेमस सभी जाने जाते हैं, तो उसका जो एक बीरबल नाम का एक स्मार्ट मिनिस्टर था, मंत्री था। ठीक है, तो अकबर ने एक बार, अकबर ने उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, दिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पे लाइन ड्रॉ किया था। तो बीरबल, हेयर इज अ लाइन, यहाँ पे एक लाइन है, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, मतलब इसको इरेज बिना किए हुए आपको बोलना है यहाँ पे शॉर्टर कौन सा है। नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, तो यहाँ पे दिया अकबर्स लाइन दिया है और यहाँ पे बीरबल्स की लाइन दे दी। देखो अकबर्स ने लाइन दोहरा है, और तो यहाँ पे कौन सा लाइन जो है वो शॉर्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अकबर्स लाइन शॉर्ट है। ठीक है, तो लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो आपको पिक्चर देखना है और एक्सप्लेन करना है कैसे मतलब अकबर की लाइन बीरबल के लाइन से शॉर्ट है। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मतलब अभी मतलब बीरबल कैसे स्मार्ट है, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट रेजिंग इट, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। मतलब बीरबल कैसे स्मार्ट है, मतलब बिना इरेज किए है उसको, मतलब सोचो कि कैसे शॉर्ट बनाया है ना लाइन को। ट्राई दिस, अब नेक्स्ट ट्राई दिस क्या दिया है, मेक हर राइट आर्म आई एम लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म।
तो यहाँ पे देखो एक आर्म दौड़ दिया है, ठीक है, लॉन्गर, देन द लेफ्ट आर्म से लॉन्गर, तो आपको एक बनानी है, ठीक है। राइट आर्म जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म, मतलब लेफ्ट आर्म से राइट आर्म आपको ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर लॉन्गर। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, इस कप को कप से 1 सेंटीमीटर शॉर्ट आपको एक कप ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, ये लॉन्ग जो दिया है लंबाई, ठीक है, उसका हाफ आपको एक ब्रूम बनानी है, यानी झाड़ू आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, यहाँ पे आपको एक फेस दिया है ना, एक देखो हेयर दे दिया है, एक ही हेयर, वन हेयर, ठीक है, आपको डबल उसका लेंथ बनानी है, ठीक है, उसका लंबाई जो है, लेंथ जो है वो डबल हेयर का जितना लंबाई होता है वो आपको लेनी है, ड्रॉ करना है, ठीक है, ना दूसरा हेयर, यानी उसका लंबाई डबल होना होगा। यहाँ पे जो हेयर दिया है उसका लेंथ से अब जो मतलब हेयर ड्रॉ करोगे उसका लंबाई डबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ टॉल हैव यू ग्राउंड, मतलब कितना टॉल, ठीक है, तो डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3 यू मेजर योर हाइट, तो आपको याद है कि आप जब क्लास 3 में थे तो आपका हाइट कितना था। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, आपको क्या लगता है आप बड़े हुए हो, लंबे हुए हो, आपका हाइट जो है ग्रोन हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, हाउ मच, कितना, ठीक है, तो आपको याद करना है हाउ कितना सेंटीमीटर बड़े हैं आपको लिखना है। हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, आपके आपका फ्रेंड्स जो है सभी दोस्त जो है आपसे टॉलर है, लंबा है। फाइंड आउट एंड फील द टेबल बिलो, तो यहाँ पे देखो आपको ढूंढना है टेबल, नीचे टेबल दे दिया है, आपको लिखना है फ्रेंड्स का नेम लिखना है, लास्ट ईयर्स हाइट, उसका लास्ट ईयर आपके जो फ्रेंड्स थे लास्ट ईयर जिस क्लास में थे गए साल मतलब कितने सेंटीमीटर था वो आपको लिखना है, फ्रेंड का नेम लिखना है, फिर लास्ट ईयर उसका हाइट कितना था वो लिखना है, दिस ईयर अभी इस साल उसका हाइट कितना सेंटीमीटर है वो लिखना है, हाउ मेनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, तो कितना सेंटीमीटर वो बड़ा हुआ है, ठीक है, ग्रोन हुआ है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसका चार्ट मैं आपको दे दूँगी, उसको देख के आपको सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जलपा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज जस्ट डबल ऑफ जलपास हाइट, हाउ टॉल इज जलपा, कितना सेंटीमीटर, ब्लैक सेंटीमीटर, तो जलपास जो है एक रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल का एक लिस्ट बनाया, ठीक है, पढ़े हैं सबसे मतलब हमारे वर्ल्ड में सबसे लंबा जो पीपल है उसका एक लिस्ट बनाया, ठीक है, एक बार पढ़े थे, तो वन ऑफ देम वॉज एक बार उसने क्या देखा कि 272 सेंटीमीटर टॉल, तो देन इज जस्ट डबल ऑफ जलपास हाउस, तो उसका डबल जलपास हाइट, ठीक है, तो हाउ कितना जलपा वो टॉल हुआ है और कितना सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट, तो इसका सब आंसर आपको दे दूँ। इमेजिन करना है कि सोचो आपके पास में से थ्रो क्लासरूम में मतलब जो डोर है उसको बिना मतलब विदाउट बेंडिंग क्यों है आपके क्लासरूम में मतलब गया है, ठीक है, कोई पर्सन, कौन सा पर्सन, मतलब बिना बेंडिंग हुए डोर में जब क्लासरूम के जो दरवाज़ा है उसमें जाने के लिए, ठीक है, बिना बेंडिंग किए हुए कौन सा पर्सन गए है, इमेजिन करो, सोचो, तो विल यू हेड टच द रूफ, मतलब हेड मानो उसका जो हेड है वो टच किया मतलब रूफ में टच कर दिया या आपके हाउस में, तो इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट, वो कैसे स्ट्रेट खड़ा रहेंगे, ठीक है, अगर रूफ को अगर टच कर देंगे उसके जो हेड है तो वो मतलब कैसे वो खड़ा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन सा कौन लंबा है, लॉन्ग है, कौन शॉर्ट है वो आपको लिखना है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में परिवार में सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो आपको लिखना है पापा है या पापा, मम्मी हो तो मम्मी, दादा है तो दादा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द शॉर्टर इन योर फैमिली, सबसे छोटा कौन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर बी हाइट्स, उन दोनों में क्या डिफरेंस है बीच में, ठीक है, हाइट्स कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, हैव यू हियर
अबाउट मैराथन रेसेज इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स. पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स. 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. सो इफ यू रन मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कम्प्लीट ब्लैंक्स राउंड. ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ. नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग जंप. दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज. लॉन्ग जंप आपने देखे होंगे, खेले होंगे, है ना. तो कैसे मतलब जंप करते, कितना दूर, कौन कितना दूर लंबाई जंप करता है. ठीक है, धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर. धनु जो है कितना जंप किया, कितना मीटर जंप किया, 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर. गुरजीत इज सेकेंड. गुरजीत सेकेंड. इस जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष. मतलब धनुष से वो 20 सेंटीमीटर कम है. गोपी कम्स थर्ड. गोपी थर्ड हुआ. हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप. तो गुरजीत से वो 5 सेंटीमीटर कम जंप किए है. तो हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप्स. तो कितना गुरजीत और गोपीज का जंप्स कितना लॉन्ग है. ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप. आपको एक जंप करके देखना है आप कितना जंप कर सकते, दूर जा सकते हो, ट्राई करना है. हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल. कितना आप बॉल को फेंक सकते हो, कितना दूर, कितने मीटर्स, वो आपको लिखना है, ट्राई करना है. ये कितना आप जंप कर सकते हो, कितना मीटर जंप कर सकते हो, है ना. और एक बॉल को जब बॉल को थ्रो करते हो कितना मीटर दूर जाता है, ये आपको ट्राई करना है. लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल. हाउ फार कैन यू किक इट. एक बिग बॉल लेना है या फुटबॉल लेना है, हल्का सा वॉलीबॉल, तो वो आपको देख किक करके देखना है आप कितना मतलब दूर गया है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आज हम चैप्टर मतलब पेज ना चैप्टर 2 का जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वो पेज नंबर 17 तक ही एक्सप्लेन करवाएंगे. ठीक है, पढ़ेंगे. इसके बाद का जो पेज है इस चैप्टर में या लेसन जो भी है एक्सरसाइज, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करवाऊंगी. ठीक है, तो चलो अब हम आंसर देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन तो हमने देख लिया. ठीक है, आंसर क्या है, पहले देखते क्या है. 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर. ये सब आपको रिमेंबर याद रखना है. 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर. 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सेंटीमीटर इज रिटन एज सेंटीमीटर सी एम इन शॉर्ट. मतलब सेंटीमीटर जो है शॉर्ट में हम सी एम लिखते हैं, है ना. सी एम मतलब सेंटीमीटर. तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर्स, 1000 मीटर्स. और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मीटर इज रिटन एज एम एंड किलोमीटर रिटन एज के एम. मतलब मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं एम शॉर्ट में और किलोमीटर को के एम. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब अच्छा चलो पेज नंबर 13 में जो क्वेश्चन था, है ना, कितना दूर है डॉट, तो ये वाला गेसेस वाला. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा. आई गेस्ट द डिस्टेंस बिटवीन डॉट ई टू एन एस 3 सेंटीमीटर. डिस्टेंस देखो ई टू एन उसका 3 सेंटीमीटर है. द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द दिस टू डॉट्स इज 3 सेंटीमीटर. दस माई गेसेज इज राइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डॉट्स ओ एंड एम आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर. माई गेसेज इज राइट. ओ एंड एम सबसे दूर यहाँ पे कहाँ है. ये देखो वो इधर है लेफ्ट साइड में और एम इधर है राइट साइड में. ठीक है, तो हमने भी ये भी के और जे डॉट्स भी दूरी है. ठीक है, फार्देस्ट ये भी सही है. तो ओ एम भी आप लिख सकते हो, के और जे भी डॉट्स लिख सकते हो. ओ और एम जो है वो सबसे दूर है, डिस्टेंस जो है उसका सबसे दूर है. ठीक है, माई गेस इज राइट. इस तरह सबको लिखना है. नेक्स्ट क्या था, लाइन था, है ना. नेक्स्ट 3 का क्वेश्चन क्या था, व्हिच टू डॉट्स आर नियरेस्ट. सबसे नज़दीक डॉट्स ओ एंड डी आर नियरेस्ट टू ईच अदर. माई गेस इज राइट, ये भी हमने कहा. नेक्स्ट पेज नंबर 14 में लाइन्स था, लुक एट द पिक्चर ए वाला एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर. किस तरह से बीरबल ने अकबर्स की लाइन शॉर्ट बनाया था. बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन बिलो द लाइन ड्रॉन बाय अकबर एंड मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर कंपैरेटिवली. तो अकबर का लाइन शॉर्टर कैसे हो गया, तो
क्योंकि बीरबल ने क्या ड्रॉ के नीचे एक लंबा सा लॉन्गर सा लाइन ड्रॉ किया था, इसीलिए अकबर का लाइन जो है था वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मतलब किस तरह से बीरबल देखो अभी स्मार्ट हो गया, मतलब बिना इरेज किए हुए अकबर का लाइन जो था वो छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि बीरबल ने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया था लॉन्गर, तो इसीलिए और मतलब अकबर की लाइन जो है वो ऑब्वियसली शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट मतलब आंसर किस तरह से आपको लिखना होगा, येस आई कैन बी एज स्मार्ट एज बीरबल, आई कैन मेक बीरबल्स लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट बाई ड्राइंग अ लाइन लॉन्गर देन हिज लाइन। यहाँ पे उसका आंसर इतना तक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3 में, दिस थिंग इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, नो देयर इज नो एनी लॉन्गेस्ट लाइन बिकॉज द लाइन इज इनफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 14 में है ये वाला ड्रॉ करने वाला, राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, कप भी इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ब्रूम भी इस तरह से ड्रॉ करना है, देखो जो हेयर था डबल करना था वो भी। ठीक है, अब पेज नंबर 15 में, डू यू रिमेम्बर ये वाला, येस आई रिमेम्बर दैट इन क्लास 3 आई मेजर माई हाइट, तो आपको हाइट लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है अबाउट 6 सेंटीमीटर, तो आप क्लास थ्री में जब थे तब आपके हाइट कितना था वो आपको मेजर याद करके लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 15 में, अच्छा पहले ये देख लेते हैं क्या है ये, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, ये वाला, ये तो आपको लिखना होगा। ठीक है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, ये भी आपको खुद से लिखना होगा या आप ये भी कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जो एक चार्ट बनाना था है ना, हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, तो येस माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो ग्रोन टॉलर, मेरा फ्रेंड जो है सब टॉलर ही मतलब टॉलर ही है, लंबा है, तो मैंने कहा था आपको फ्रेंड्स का नेम लिखना है ना, लास्ट ईयर वो कितना हाइट का था, सेंटीमीटर का थे, और कितना अभी है, और कितना ग्रोन गया, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, या ये भी आप कॉपी कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, जलपा इज 136 सेंटीमीटर टॉल, मेथड हाइट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू 272 सेंटीमीटर, सो जलपास हाइट इज इक्वल टू 272 सेंटीमीटर डिवाइड 2 इज इक्वल टू 136 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेज नंबर 15 में जो क्वेश्चन था उसका आंसर, नो दैट पर्सन कुड नॉट पास थ्रू द डोर ऑफ आवर क्लास रूम विदाउट वेंडिंग बिकॉज द डोर ऑफ आवर क्लास रूम इज 230 सेंटीमीटर हाई वाइल हिज हाइट इज 272। अच्छा, 272 का अगर वो पर्सन का हाइट होगा, निकाले थे उसने जलपा ने सबसे वॉल के जो लंबे मतलब टॉलेस्ट पीपल थे उसका लिस्ट उसने पढ़ा था, मतलब चार्ट बनाया था, तो उसमें से एक का हाइट था 272 सेंटीमीटर, तो अगर आपके क्लासरूम का दरवाज़ा 230 सेंटीमीटर हाई है, ऊंचा है, तो वो बिना बेंडिंग हुए कैसे मतलब अंदर जा सकते क्लासरूम में, तो वो नहीं जा सकते क्योंकि उसका हाइट जो है 272, तो उसको तो बेंडिंग करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था आंसर है, येस हिज हेड विल टच द रूप ऑफ माई हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज द रूप ऑफ माई हाउस इज 260 सेंटीमीटर हाई वाइल हिज हाइट इज 272। मेरा रूप का अगर वो खड़े रहेंगे हाउस में स्टैंड होके स्ट्रेट, तो वो खड़ा हो नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा रूप जो है उसका हाइट कितना है 260 सेंटीमीटर, पर उसका कितना हाइट है 272 उस पर्सन का, और मेरा रूप का जो है वो 260 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो ऐसे स्ट्रेट वो मतलब खड़े रहेंगे तो रूप टच हो जाएगा। ठीक है, उसका हेड जो है वो टच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये तो 15 पेज में है ना, कौन हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, ये तो वही हो गया।
ठीक है, पेज नंबर 16 to 17 में आंसर द क्वेश्चन है क्या है, हाउ फार इज रेहना फ्रॉम अरुंधति, रेहना इज 3 meters फार फ्रॉम अरुंधति, हाउ फार अहेड इज रेहना फ्रॉम कविता एंड उमा, तो इसका आंसर आएगा रेहना इज 6 meters फार फ्रॉम कविता एंड उमा, हाउ फार आर कविता एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, कविता एंड उमा आर 15 meters फार फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, ठीक है, हैव यू हियर्ड अबाउट 1500 meter और 3000 meter रेस, येस आई हैव हियर्ड अबाउट 1500 meter और 3000 meter रेस, सो यू कैन से इन नंबर 1 क्वेश्चन है, इन 1500 meters रेस पीपल रन 10 किलोमीटर तो कहेगा 1.5 किलोमीटर्स, ठीक है, 1 किमी 500 मीटर, इन 3000 मीटर्स रेस पीपल रन 10 किमी तो 3 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 17 में ही है, ठीक है, हैव यू हियर्ड अबाउट मैराथन वाले, मैराथन का जो था क्वेश्चन, येस आई हैव हियर्ड अबाउट मैराथन रेसेज इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर, मतलब हाँ हमने सुना है मैराथन रेस में 40 किलोमीटर दौड़ सकते हैं पीपल, पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स, इसका आंसर आएगा 4 किलोमीटर, मेथड 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 400 मीटर्स मल्टीप्लाई 10 तो इज इक्वल टू 4000 मीटर्स, 4 किमी इज इक्वल टू मतलब 1000 मीटर इक्वल टू 1 किमी, ठीक है, तो सो इफ यू रन मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट राउंड 100 राउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग जंप 17 पेज नंबर, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप्स, ये वाला देखो आंसर यहाँ पे दे दिया है, गुरजीत जंप इज 3 meters 20 centimeter एंड गोपीज जंप इज 3 meters 35 centimeter, मेथड गुरजीत जंप्स लिखना है, फिर धनुष जंप्स माइनस 20 सेंटीमीटर इजिकल टू 3 meters 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इजिकल टू 3 meters 20 सेंटीमीटर, गोपीज जंप गुरजीत जंप माइनस 5 सेंटीमीटर 3 meters 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, गुरजीत का जंप लिखना है और माइनस 5 सेंटीमीटर करना है, फिर क्या आएगा आंसर 3 meters 15 सेंटीमीटर, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, ये तो आपको देखना है आप कितना दूर जंप कर सकते हो, कितना बॉल फेंक मतलब कितना दूर आप बॉल फेंक सकते हो, और कोई भी बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल ए वॉलीबॉल लेना है आपको देखना है कितना आप सेंटीमीटर डिस्टेंस मतलब फेंक सकते हो किक कर सकते हो, अब किक करो करना है और देखना है कितना मीटर्स गया है, ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है देखो 25 meters आई कैन किक अ बिग बॉल टू अ डिस्टेंस अबाउट 25 meters, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर है वो आप देख के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो पेज नंबर 17 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है, तो आपको क्या करना होगा, अच्छे से वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, केयरफुली सुनना है, उसके बाद आपको इसका आंसर आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैं पहले कहा स्पेस कम है, नोटबुक में लिखना है, इसके बाद का जो पेजेस है उसका एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ओके, थैंक यू।